तो आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि आप सभी स्टूडेंट काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। लगभग 6 महीने का समय जो है बीत चुका है, लेकिन अभी तक जो है छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी प्यून भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जो है नहीं आया, जिसके वजह से छत्तीसगढ़ के हर एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इस समय परेशान चल रहे हैं कि आखिरकार कब जो है छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी प्यून भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जो है होने वाला है। 91 पोस्ट जो है सीजीपीएससी प्यून भर्ती परीक्षा जो है निकल कर आया था, और 91 पोस्ट के लिए अगर हम बात करें तो 2.5 लाख स्टूडेंट ने एग्ज़ाम था, तो 2.5 लाख स्टूडेंट में किस किस स्टूडेंट का सिलेक्शन जो है हो पाएगा और कितने नंबर में होगा, कट ऑफ जो है कितना जाने वाला है 2023 में जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए रिजल्ट जो है आने वाला है, कब जो है रिजल्ट आएगा वो भी बताऊंगा। देखिए 25 सितंबर 2022 को जो है छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी प्यून भर्ती परीक्षा जो है एग्जाम्स हुआ था, तो प्यून भर्ती परीक्षा में कितने नंबर वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा एक एक करके आप लोगों को कंप्लीट जो है जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए आप लोग 100% अपना मेहनत करते हैं, तैयार करते हैं, लेकिन उसके बाद छत्तीसगढ़ में आरक्षण मामला, अगर आपको बताना चाहता हूं कि यह आरक्षण का मामला अगर जारी नहीं होता जब 19 सितंबर को बिलासपुर हाई कोर्ट ने 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार देते हुए 58% आरक्षण को सीधा सीधा नकारते हुए रद्द कर दिया, जिसके वजह से रिजल्ट नहीं आ पाया, वरना 25 सितंबर को एग्ज़ाम्स हुआ था, 27 सितंबर को आपका मॉडल आंसर आया, और उसके 4 दिन पहले ही 19 सितंबर को ये संविधान में और ये मेंशन भी है कि 50% से ज़्यादा का आरक्षण का लाभ आप किसी को दे नहीं सकते, तो ऐसे में 50% से ज़्यादा का आरक्षण 58% आरक्षण था, तो उसे निरस्त किया। इसी वजह से छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी प्यून भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जो है नहीं आ पाया, जिसके वजह से अभी के डेट में जो है हर एक युवा, हर एक स्टूडेंट जो है छत्तीसगढ़ के सभी युवा बहुत ज़्यादा परेशान है। वो सोच रहे हैं कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में कब भर्ती निकल कर आएगा, किस तरीके से वैकेंसीज होगा, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, हम इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन हमें एक बेहतर रिजल्ट जो है देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि स्टूडेंट चाहता है कि जल्द से जल्द जो है नई भर्ती निकले, जल्द से जल्द जो है नई वैकेंसीज निकल कर आए और उनका जो है सिलेक्शन हो पाए, और ऐसे में अगर वैकेंसीज नहीं आ रहे, नई भर्ती जो है निकल कर नहीं आ रहे, तो ऐसे में जो है बहुत ज़्यादा युवा जो है परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, ये जेन्युइन है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अपना 100% दे रहे हैं एग्ज़ाम्स में, लेकिन आपको रिस्पांस जो है और रिटर्न में वापस उतना एक अच्छा रिजल्ट जो है नहीं मिल रहा, आप मेहनत कर रहे हैं, आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के लिए जी तोड़ जो है मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं कि 1-12 बजे है, 2 बजे है, 3 बजे सुबह पढ़ रहे हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं, 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ाई करके रात को जग कर आप एग्ज़ाम्स देते हैं कॉम्पिटिशन्स के, लेकिन भर्ती परीक्षा अगर निरस्त हो जाता है तो आपके ऊपर क्या बीतता है सिर्फ एक स्टूडेंट ही समझ पाएगा, और कोई उनके दुख दर्द उनके पीड़ा को जो है कोई समझ नहीं पाएगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, आज जो 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का जो है निर्णय फैसला जो है आरक्षण मामले पर जो है आने वाला था, लेकिन यह मामला जो है सुनवाई टल चुका है, और आपको बताना चाहता हूँ कि ये शायद अब ये अगले महीने जो है अप्रैल माह में जो है महत्वपूर्ण जो है जजमेंट फैसला निकल कर आ जाएगा। तो 25 सितंबर को प्यून भर्ती परीक्षा 2022 में एग्ज़ाम्स हुआ था, लेकिन अभी तक जो है किसी भी प्रकार के रिजल्ट नहीं आया, जिसके वजह से छत्तीसगढ़ के हर एक युवा, हर एक स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश है, और वो एक बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं कि आखिरकार रिज़ल्ट जो है कब निकल कर आएगा, और वो सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा चिंता में है कि आखिर छत्तीसगढ़ में भर्ती हो भी पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, हम इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमें उतना एक बेस्ट, एक अच्छा रिस्पॉन्स, एक अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से सभी युवा बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि देखिए काफ़ी स्टूडेंट थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया सीजीपीएससी प्यून भर्ती परीक्षा का, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में प्यून भर्ती परीक्षा में निगेटिव मार्किंग था। जी हाँ, काफ़ी स्टूडेंट थे जिनको पता ही नहीं था कि एग्ज़ाम्स में जो है माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग था, वो उन्होंने क्या क्या सभी क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर दिया, तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया उनका इसमें किसी भी प्रकार से सलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा, अगर आपने सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया ऐसे स्टूडेंट का बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये प्यून भर्ती परीक्षा जो है किसी में नहीं है, आपका मंत्रालय का जॉब है, और अभी के डेट में आपको बताना चाहता हूँ कि कोई जॉब छोटा या बड़ा नहीं होता, जॉब जॉब होता है, चाहे वो प्यून का ही जॉब क्यों ना हो, क्योंकि मंत्रालय का जॉब है और आपको करीबन 14 से 15 हज़ार रुपये जो है पर मंथ सैलरी मिलेगा। आप लोग सोच सकते हैं कि इंजीनियरिंग, जिन्होंने इंजीनियरिंग किया वो भी स्टूडेंट हैं, सीजीपीएससी प्यून भर्ती परीक्षा के लिए एग्ज़ाम दिया था, खरे के स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था, तभी तो 2.5 लाख स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया,
तो अभी के डेट में कोई जॉब छोटा या बड़ा नहीं होता, जॉब जॉब होता है। जितना आप तैयारी करोगे, जितना आप मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ाई के लिए डेडिकेट रहेंगे, फुल एफर्ट के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे, उतना ही आप लोगों को एक बेस्ट रिज़ल्ट, एक अच्छा रिस्पांस, एक अच्छा आप लोगों के लिए बेनिफिट्स जो है होने वाला है। तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना तुम तैयारी करोगे, जितना तुम मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करोगे, रिटर्न में जो है आपको वापस से उतना ही एक अच्छा रिज़ल्ट जो है रिटर्न में जो है मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि हमने मेहनत किया तो हमें रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम जितना मेहनत करेंगे, हम जितना ज़्यादा तैयारी करेंगे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के लिए, वापस से हमें उतना ही एक बेहतर, एक अच्छा रिज़ल्ट जो है हमारे लिए होने वाला है। तो जिस किसी भी स्टूडेंट को CGPSC प्यून भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स आप लोगों ने दिए हैं, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको वापस से उतना ही एक अच्छा जो है एक बेहतर रिज़ल्ट जो है मिलेगा। और ये कभी भी मत सोचना कि मेरा मेहनत जो है बेकार है, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो वापस से मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, ये कभी भी मत सोचना। सब कुछ मिलेगा, बस उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना, उसके लिए थोड़ा सा सब्र रखना। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे, जितना ज़्यादा आप खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करेंगे, खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो जज्बा, वो जोश जुनून जो है आपके अंदर होना चाहिए। वक्त सबका आता है, पर उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। तो उस वक्त के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना सीख जाओ। जितना ज़्यादा तुम तैयारी करोगे, जितना ज़्यादा तुम एफर्ट लगाओगे, उतना ही तुम्हें एक बेस्ट रिस्पॉन्स जो है मिलेगा। तो नेवर गिव अप। ज़िंदगी में आपको हर एक बार कामयाबी, हर एक बार सफलता नहीं मिल सकती। आपके ज़िंदगी में एक समय, एक दौर भी ऐसा आएगा जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, आपके पास कुछ नहीं होगा, और उसके बाद उस समय आप जो है पूरी तरह से टूट जाएंगे कि यार अब क्या होगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उस टाइम भी आपको उसी कॉन्फिडेंस के साथ जो है खड़े रहना, उसी जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है उस कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके रखना है। और आने वाले समय में जो है बस थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना है, फिर छत्तीसगढ़ में CGPSC प्यून भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आप लोगों के लिए होने वाला है। तैयारी अच्छे से कीजिए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल एफर्ट के साथ। सपने आज नहीं तो कल, कामयाबी आज नहीं तो कल आपको जो है डेफिनेटली मिलेगा। देखिए जितना ज़्यादा हम मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा हम तैयारी करेंगे, उतना ही हमें एक बेस्ट रिस्पॉन्स, एक अच्छा रिज़ल्ट, एक बेहतर रिज़ल्ट मिलने वाला है। सपने सच होते हैं, बस उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको आगे बढ़ना है, उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको जो है मेहनत करते रहना। सपने सच होते हैं, बस उन सपनों को पूरा करने के लिए धीरे धीरे से मेहनत करो। CGPSC प्यून भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आप लोगों के लिए होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट में आप लोगों को एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोगों के लिए ही मैं वीडियोस बनाता हूँ, इतने मेहनत से भी जो है वीडियोस बनाता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। इन वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में शेयर कीजिए। सो इसी तरह से मेरे चैनल्स पर जो है आप सभी स्टूडेंट को छत्तीसगढ़ में नए नए गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भर्ती वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। जितना हो सके अपना प्यार, अपना सपोर्ट दिखाइए, ताकि आप सभी स्टूडेंट के लिए इसी तरह से नए नए वीडियोज़ जो है मैं लेकर आ सकूँ। बस ख्याल रखना, तैयारी करते रहें।